इसमें भी भाई, इसमें क्या था कि उन्होंने जो बिल बनाया था वो ज्यादा बनाया था, बट मैंने बोला ऑडोमीटर अपडेट कर रहे हैं क्या, मतलब देख सकते हैं आप कितना बढ़िया इन्होंने काम किया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और भाई आज हम अपनी इस गाड़ी की सर्विस कराने जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी अपनी 19,500 किलोमीटर के लगभग चल चुकी है। तो लास्ट जो सर्विस हमने कराया था वो 9,000 किलोमीटर पे कराया था, तो कहीं ना कहीं 500 किलोमीटर ज्यादा ही चल गई है अगर 10,000 किलोमीटर का गैप देखा जाए। तो आइए चलते हैं सर्विस सेंटर और देखते हैं कि सर्विस का कॉस्ट क्या आता है और सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहता है ओवरऑल, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और हाँ भाई, इसमें एक रैटलिंग नॉइस वाली दिक्कत थी जो कि मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, तो इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन निकाल के देते हैं महिंद्रा वाले और ये सॉल्व होता है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं सर्विस सेंटर फिर और आगे आपसे हम बात करते हैं। तो भाई आ गए हैं फाइनली महिंद्रा और चलते हैं देखते हैं क्या सीन होता है। नहीं नहीं तो भाई यहाँ पे अपनी गाड़ी ये टेस्ट ड्राइव पे लेके जा रहे हैं, मतलब देखेंगे किस वजह से जो रैटलिंग नॉइस वाली दिक्कत है वो आ रही है। तो चलिए चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे और इसको मतलब हाईवे पे भी चलाएंगे और गांव के रोड पे भी चलाएंगे, तो एक्चुअल में पता लगेगा कि ये जो रैटलिंग नॉइस वाली दिक्कत है वो आ क्यों रही है, फिर उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो भाई टेस्ट ड्राइव लेकर हम अपनी गाड़ी को सर्विस एरिया में आ गए हैं और यहाँ पे अब अपनी सर्विस स्टार्ट होने वाली है। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं अपनी गाड़ी को लिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ पे इसका इंजन ऑयल रिप्लेस कर रहे हैं। और भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपनी गाड़ी का ECU अपडेट हो रहा है। हालांकि मेरा मन तो नहीं था अपडेट कराने का, क्योंकि कई लोगों ने बताया कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट इन्होंने कहा कि कराना जरूरी है, तो इस वजह से हम यहाँ पे अपनी गाड़ी का ECU अपडेट करा रहे हैं। तो भाई टाइम हो गए हैं 3 और वॉशिंग अपना हो रहा है, वहाँ पे देख सकते हैं। तो भाई गाड़ी धुलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस पे पॉलिश वगैरह मारा जा रहा है। भाई कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी, मतलब देख सकते हैं आप कितना बढ़िया इन्होंने काम किया है। तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी की सर्विस हो गई है और काफी शाम भी हो गई है, तो अब चलिए चलते हैं घर और जो सर्विस का कॉस्ट आया है और सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में हम कल ही बात करेंगे, क्योंकि घर पहुँचने में शाम हो जाएगी भाई, क्योंकि और भी काम हमारे पास है। तो भाई सर्विस होके गाड़ी अपनी आ गई है और मैं लगभग इसको मतलब 50-60 किलोमीटर चला भी लिया हूँ। अब बात करते हैं भाई कि सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो भाई सर्विस का एक्सपीरियंस इस बार काफी अच्छा रहा और जो भी प्रॉब्लम्स थी वो महिंद्रा ने सॉल्व कर दी है। मतलब जो भी दिक्कत थी मैंने बता दिया कि इसमें वाइब्रेशन वाली नॉइस आ रही है यहाँ से, तो वो सब जो है टेस्ट ड्राइव पे मतलब गए, वो जो एक उनका मैकेनिक था वो लेके गाड़ी को लेकर गया और मैंने बताया भाई हाईवे पे ये दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग फिर गांव की एक सड़क पे गए, वहां पे जो प्रॉब्लम थी उन्होंने उसको एनालिसिस किया और फिर आके अपना कुछ टाइट वगैरह किया था गेट वगैरह, तो वो जो प्रॉब्लम है अभी सॉल्व हो गई है। और दूसरा जो इसमें काम हुआ था वो ECU अपडेट का हुआ था और ECU अपडेट से अभी तक मैं मतलब सेटिस्फाइड नहीं हूँ, थोड़ा सा ड्राइविंग में मुझे चेंज दिख रहा है और वो सब दिक्कत अगर मैं अभी एनालाइज ही कर रहा हूँ कि क्या दिक्कत है, और अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में दिक्कत क्या आ रही है। और बाकी ट्रीट करने का तरीका जो था वो सब काफ़ी अच्छा था, मतलब पिछली बार से काफ़ी अच्छा था। तो भाई अब बात कर लेते हैं सर्विस कॉस्ट की, और सर्विस कॉस्ट बताने से पहले मैं बता दूं कि गाड़ी में क्या क्या चेंज हुआ है और मतलब क्या क्या उन्होंने किया था इसमें।
तो उन्होंने ऑयल फिल्टर चेंज किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमाइल अल्ट्रा 6 लीटर का इंजन ऑयल इसमें पड़ा था। एयर फिल्टर एलिमेंट मैंने बाद में चेंज करवाया था क्योंकि चूहे ने काट दिया था, तो इसको अभी एक्सक्लूड रखते हैं। इसमें ये फिल्टर असेंबली पार्टिकल कोई चेंज हुआ था, और ये एक कोई वॉशर है, ये 7-8 रुपए का पड़ता है, ये चेंज हुआ था, और बैटरी का पानी चेंज किए थे। तो ओवरऑल इतना चेंज हुआ था, बाकी गाड़ी उन्होंने वॉश किया था, और ये ब्रेक वाला कुछ डिस्क वगैरह में उन्होंने मतलब साफ सफाई किया था। तो ओवरऑल जो कॉस्ट आया है वो 3,396 रुपए आया है ये सर्विस का, बट मैंने 525 रुपए का ये एयर फिल्टर चेंज करवाया था, तो ये 3,921 रुपए टोटल पड़ा है। मतलब अगर सर्विस कॉस्ट को देखें तो वो 3,396 यानी 3,400 रुपए लगभग पड़ा है। तो मुझे तो ठीक लगा, ये थर्ड सर्विस है भाई, और ये डीजल है XUV300, तो ये XUV300 अगर डीजल आप वहां पे जा रहे हैं सर्विस कराने तो इतना कॉस्ट आएगा। बट इसमें भी भाई, इसमें क्या था कि उन्होंने जो बिल बनाया था वो ज्यादा बनाया था, बट मैंने बोला कि जो भी एडवांस इसको हटा दो, और ये एडवांस के मतलब हटाने के बाद है, तो इतना ही कॉस्ट लगभग आएगा, और अगर ये चूहों ने ना काटा होता तो मेरा 525 रुपए और कम ही पड़ता।